दोस्तों, साल 1943 में बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कोंगो देश के जंगल में एक बहुत बड़ा जीव को रेंगते हुए देखा। जब तक वो इस जीव को सामने से देख पाते, उनका हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था। इसलिए जिज्ञासावश पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया तो उन्होंने ये देखा कि असल में वो एक बेहद बड़ा सांप था। उन्होंने ऊंचाई से कुछ फोटो लिए, फिर उन्होंने इसे करीब से देखने के लिए और फोटो खींचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से सांप के करीब पहुंचा तो सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। पायलट का दावा था कि अगर वो उस जगह से नहीं भागते तो ये सांप उनके हेलीकॉप्टर को निगल सकता था। बाद में खींचे हुए तस्वीरों का अध्ययन करके सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो पता लगा कि ये सांप कुल 100 फीट के आसपास रहा होगा।